हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, तो हमारे यहाँ तो इतना बारिश हो रही है और अभी भी देखो, अभी आई हूँ मैं, अभी भी हल्की हल्की पड़ रही है और रुकी नहीं है। दिन और रात बारिश पड़ गई है उत्तराखंड में, हमारे यहाँ तो ऋषिकेश में। तो ये देखिए अभी भी बारिश है। तो हम इसके लिए, अपने गार्डन के लिए जो हमारे प्लांटर में है, पोट में है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो ज़रूरी काम करने हैं वो इसमें वीडियो में देने वाली हूँ। और कुछ ज़रूरी टिप्स हैं, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारे गमले में पानी भी नहीं टिकेगा और मच्छर भी नहीं होंगे, क्योंकि मच्छर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अगर गमले में पानी रुक जाता है दो दिन, मच्छर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए हमें कुछ टिप्स फॉलो करने हैं, बस उसी के बारे में मैं आज ये वीडियो देने वाली हूँ। तो आइए लास्ट तक बने रहो। तो देखिए गमला, जैसे ये मेरा उल्टा रखा है यहाँ पे, ये फर्श पे रखा है, तो मैंने इसको ये उल्टी करके इसकी प्लेट रख दी है और कुछ की तो प्लेट हटा दी है, क्योंकि नीचे, लेकिन फिर भी अगर आपको रखनी है तो इस तरह उल्टा रख सकते हैं, मैंने ये पहले भी बताया था। तो सीधा नहीं रखना है, तो जैसे ये सीधा इस तरह होता है, हमें इस तरह नहीं रखना, इसको उल्टा करके रखना है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, तो देखो हमारे गार्डन की, ज़रूरी नहीं है कि हमने रिच बना रखी है या वेल ड्रेन सोयल हो सभी गमलों की। तो मेरे यहाँ जितने भी गमले हैं ये सभी वेल ड्रेन सोयल है इनकी, तो इसमें पानी देखो एक बूंद भी नहीं रुकेगा। तो चलो ये तो सही बात है कि वेल ड्रेन सोयल में पानी नहीं रुकता है, मगर हाँ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि सबके लिए वेल ड्रेन सोयल नहीं होती, तो उनमें पानी ठहर जाता है। तो मैं बता दूँ मैं उसमें क्या करती हूँ, तो मैंने क्या कर रखा, क्योंकि हम बार बार पानी तो निकाल नहीं सकते गमलों से, तो मैंने उसमें क्या कर रखा, जितने भी गमले हों मेरे पानी जो है ठहरता है, तो मैं इस तरह उनको उल्टा कर देती हूँ तो पानी नहीं रहता उसमें। इस तरह देखो यहाँ भी इसमें थोड़ा सा ठहरता है, इसको मैंने इस तरह उल्टा कर दिया। और इसकी मिट्टी भी नहीं निकलती, क्योंकि इसकी मिट्टी थोड़ी सी बेलड्रे नहीं है, थोड़ा सा इसमें मिट्टी ज़्यादा है और चीज़ें कम है जैसी मैं बनाती हूँ। और यहाँ भी देखो इसमें, हालांकि इसमें मैंने वो भी बना रखे हैं छेद भी, इसमें ड्रेनेज होल भी है इसमें, मगर फिर भी कुछ गमलों में ड्रेनेज होल जो है बंद भी हो गए। तो अभी इतना टाइम तो है नहीं है कि हम उनको खोल लें, तो मैंने तो ये सब उल्टा करके रख दिया। इसलिए ये देखिए यहाँ पे, और एक गमला यहाँ पे, इस तरह मैंने जिनमें मेरे पानी ठहरता है तो मैंने इसलिए ऐसे उल्टे कर दिए। तो आप भी कर सकते हैं, और सारे ऐसे हैं, अगर हम सारे जो है शेड के नीचे रख दें, किसी चीज़ के बरांडे में रख दें, तो जो है सारे प्लांट तो हमारे आ नहीं सकते। अगर हाँ आपके यहाँ जगह है तो आप उनको, प्लांट को रख दो, जिससे उसमें बारिश का सीधा पानी नहा जाए। और वैसे पानी दे सकते हैं गमले सूखते हैं, बट ये जो पानी भरा रहता है गमले में ये नहीं होना चाहिए, प्लांट भी ख़राब होता है और इसमें मच्छर इतनी जल्दी पनपता है, बहुत जल्दी पनपता है। तो ये देखिए मेरा ये वाटर टफ है, तो इसमें मच्छर नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो इसलिए ये पानी में भरा हुआ, तो ये पूरा कवर हो रखा इसका टप का ऊपर का, जितना ही पूरा कवर कर रखा, तो इसमें मच्छर नहीं होगा। तो इस तरह मेरी बाल्टी में ये भी, यहाँ भी है, इसमें भी मच्छर नहीं होते। मैं चेक कर लेती हूँ, फिर भी मैंने चेक कर दी। और एक मेरे यहाँ पर ये पुदीना मैंने लगाया था, कमल भी लगाया था, ये देखिए। तो इसमें क्या होता है, ये पुदीना तो सूख गया और इसमें हो जाता, तो इसको मुझे क्या होता, रोज़ मैं पानी इसका बदलती ताकि मच्छर ना हो, तो इसी का मुझे डर रहता। बाकी मेरे कोई भी ऐसा गमला नहीं है जिसमें पानी रुक रहा है, तो मैंने सभी का इंतजाम कर दिया। ये देखो, तो इस तरह मैंने उल्टा कर दिया। तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर आपकी बेल्डन सोयल है तो एक बूंद भी पानी नहीं टिकेगा। अगर हाँ टिकता है पानी, तो वो हमारे होल अगर हैं मोटे मोटे, या होल बंद हो जाते हैं तो उनको खोल दें, या मोटे मोटे होल कर लें, तो पानी बिल्कुल नहीं रुकता है। अब बाई चांस रुकता है तो जैसे मैंने बताया वो आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी, और पानी भी नहीं रुकेगा और मच्छर भी नहीं होगा। तो हमारे प्लांट की सेहत के लिए भी अच्छे और हमारे लिए भी अच्छे, अगर ये फॉलो करोगे तो। और मैं भी अपने गार्डन में ऐसे ही करती हूँ, तो जहाँ भी बारिश का पानी जिसमें ठहरता है, तो या तो उसको उल्टा कर देती हूँ, और कुछ इस तरह गमले का जो है उल्टा ढक्कन ये लग कर देते हैं प्लेट, तो इस तरह से ये मैं इसी तरह से सभी। और ये देखिए ये मेरा
कवर एरिया है, यहाँ पे जो है टीन शेड पड़ा है ऊपर, तो इसमें बारिश इतना नहीं जाती है, सिर्फ इतना जाती है पानी में, थोड़ा पेड़ों में नमी मिलती है बाकी नहीं जाती, तो मैं इसमें पानी भी नहीं डालती और इसमें नमी बनी रहती है, मगर पानी नहीं टिकता इसमें क्योंकि इतना बारिश नहीं आती इसमें। तो ये देखिए, तो सबको तो हम नहीं रख सकते ना, सबको नहीं रख सकते, जितने भी इतने सारे प्लांट होते हैं हमारे पास, या सब किसी के पास, ज़रूरी नहीं है कि हाँ सभी के पास जगह है इतनी, तो मैं तो कुछ ऐसे ही कर रखा, तो मैंने इसीलिए कुछ को उल्टा कर दिया और कुछ को, अगर हम आप अपने गार्डन में छोटे छोटे ये वाले काम कर लेते हैं तो ये हमारे प्लांट भी सुरक्षित और हम भी सुरक्षित। तो ये देखिए, ये टोपायरी बरसात में कैसे बढ़ती चली जा रही है, तो इसकी कितना भारी हो गई है ये देखो, अब बहुत सुंदर हो गई है, ये देखिए इसका लुक बहुत प्यारा आ रहा है। तो ये अभी मेरा चलता रहेगा, बस मैं इसको जो एक्स्ट्रा होता है उसको कट करती रहती हूँ। तो अब ये ऊपर को बढ़ रही है, इसका भी मैं इसको थोड़ा सा नीचे इस तरह से करके इसको मोड़ के तो इसको कर दूँगी सही से शेप अच्छी सी, फिर और भी अच्छी आ जाएगी। ये देखो कितनी घनी हो रही है, अब बहुत अच्छा लग रहा है, देखो गेट टाइप से बन रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक ये वाली टोपायरी है, ये भी ठीक ठाक है, ये देखो इसकी भी बीच में मैंने कटिंग कर दी थी, तो ये हमें काम करते रहना ज़रूरी है, इस इन कामों को ज़रूरी है करना, नहीं तो ये उल्टी सीधी फैलेंगे, फिर इसका लुक जो हो वो अच्छा नहीं आएगा। अब ये देखिए, ये प्लांट मेरे ठीक ठाक, यहाँ भी बारिश ज़्यादा नहीं आती, बस थोड़ा नमी आती है, थोड़ा बहुत पानी आता है हवा के साथ, और इनमें तो पानी खूब बारिश आती है इनके ऊपर। तो ये देखिए, फिर भी उसके बाद भी एक बूंद भी पानी नहीं है, वो क्यों? सोयल की वजह से। तो ये मेरी बेल्डेन सोयल है, और ये बेल्डेन सोयल ये कौन सी मैं बनाती तो मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ। इसमें देखिए, मैंने एक पार्ट रेत, एक पार्ट ये गार्डन सोयल, एक पार्ट कोकोपीट और एक पार्ट कोई भी कंपोज और कुछ निमखल, बस यही मैं मिलाती हूँ इसमें ऑर्गेनिक, और कुछ भी नहीं है इसमें। और देखो पानी कितना बारिश हुई, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी आपको। ये देखो सारे प्लांट में, ये नहीं इसी में, सभी प्लांट में आप देख सकते हैं। तो मुझे ये सारे ऐसे सीधे रखे हैं, कोई पानी भी नहीं निकाला सभी में, ये देखो सारे सूखे मिलेंगे आपको, ये देखिए सब। तो मेरी इस तरह की मिट्टी, अगर हम इस तरह की मिट्टी बनाते हैं तो ये प्लांट में जो है पानी नहीं रुकता प्लांटर में। तो मैं ये तो ज़्यादातर बेल्ड्रेन ही सोयल बनती है, कुछ प्लांट होते हैं कि हाँ भाई उसमें बेल्ड्रेन नहीं होती, इतनी तो ज़्यादातर ये बेल्ड्रेन सोयल ही बनती है हमारे पेड़ पौधों के लिए, तो अच्छी रहती है, हल्की भी रहती है हमारे यहाँ छत में रखने के लिए। तो मैं तो इसी तरह की मिट्टी बनाती हूँ, और ये देखो ये फ़ायदा है इसका बेल्ड्रेन का, तो हम ऐसी मिट्टी बना सकते हैं। और मैंने ये देखो, आप देख रहे होंगे ये थैली ढकी है पेड़ पे, ये अपराजिता का है, ये देखिए अपराजिता की पत्ती है, और इसी में एक घोंसला है, इसकी वजह से इसमें तीन बच्चे हैं, बड़े बड़े हो गए अब, तो मैंने ये थैली इसलिए ढकी है क्योंकि बारिश का पानी उस पर बिल्कुल ना जाए। हालांकि देखो मोड़ के ऐसे बनाया हुआ कि पानी नहीं जाएगा, फिर भी साइड से थोड़ा थोड़ा मुझे दिखाई दिया, तो मैंने इसलिए ये पॉलिथीन इसमें ढक दिया। पहले तो छाता भी ढक देती थी, मगर छाता फिर मैंने इसलिए निकाल दिया क्योंकि यहाँ गिरने का डर है, बंदर आ जाते हैं तो बंदर गिरा दे कभी उसके ऊपर, प्लांट भी गिरा दे, इसलिए मैंने ये छाता उठा दिया और ये हल्की सी थैली इसमें रख दी ताकि ये पानी इसमें ना जाए इसमें पत्ती के ऊपर। तो चिड़िया की आवाज़ आ रही होगी, बराबर बोलती रहती, और देखिए फूल भी कुछ खिले हैं, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, पानी पड़ा हुआ है, कुछ गुलाब भी खिल रहे हैं, और चिड़िया देखो बराबर बोलने में लगी हुई है। इन चिड़िया से मिलाती हूँ आपको, एक तो यहाँ बैठी है, ये देखो ये बैठी है, और दोनों बोल रही है दो। और किसी ने ये एलोपैक्टस के बारे में जो है कमेंट किया था, तो हाँ इस प्लांट के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगी आपको। तो आज बारिश है, अभी बाद में मैं देने वाली हूँ, तो किसी भी वर्ष ने मेरे ये कमेंट किया था कि हाँ इसके बारे में मुझे हमें जानकारी चाहिए, तो मैं ज़रूर दूँगी। और ये देखिए ये फूल कुछ इस तरह से, थोड़ा सा ही दिखाऊंगी ज़्यादा नहीं, ये भी खिलने वाले हैं, हिबिस्कस पीला, और ये भी खिलने वाला है पिंक कलर का डार्क, काफ़ी सारी कलियाँ वलियाँ भी बनी हुई हैं। बस आज इतना ही जो है एंड कर देती हूँ, क्योंकि ये जो ज़रूरी काम थे छोटे छोटे, बस इसी पे ही वीडियो थी ये आज बारिश के ऊपर। तो ये आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, जैसे भी लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, और लास्ट तक देखने के लिए
थैंक यू।